वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस छोटे छोटे अंग्रेजी में वाक हमारा पहला सेंटेंस है वी केयरफुल वी केयरफुल का हिंदी में मतलब होता है सावधान रहें वी केयरफुल का हिंदी में मतलब होता है सावधान रहें नेक्स्ट सेंटेंस इज स्पीक लाउडली स्पीक लाउडली का हिंदी में मतलब होता है जोर से बोलो स्पीक लाउडली का हिंदी में मतलब होता है जोर से बोलो नेक्स्ट सेंटेंस is आई फील सो हॉट आई फील सो हॉट का हिंदी में मतलब होता है मुझे गर्मी लग रही है आई फील सो हॉट का हिंदी में मतलब होता है मुझे गर्मी लग रही है नेक्स्ट सेंटेंस is गो एंड स्लिप गो एंड स्लिप का हिंदी में मतलब होता है जाकर सो जाओ गो एंड स्लिप का हिंदी में मतलब होता है जाकर सो जाओ नेक्स्ट सेंटेंस इज पुट ऑन पुट ऑन का हिंदी में मतलब होता है पहन लो पुट ऑन का हिंदी में मतलब होता है पहन लो नेक्स्ट सेंटेंस इज टुडे वॉज फन टुडे वॉज फन का हिंदी में मतलब होता है आज मजा आ गया था टुडे वॉज फन का हिंदी में मतलब होता है आज मजा आ गया था टुडे का हिंदी में मतलब होता है आज नेक्स्ट सेंटेंस इज नॉट हर नॉट हर का हिंदी में मतलब होता है उसे नहीं नॉट हर का हिंदी में मतलब होता है उसे नहीं नेक्स्ट सेंटेंस इज टेक ऑफ टेक ऑफ का हिंदी में मतलब होता है उतार दो टेक ऑफ का हिंदी में मतलब होता है उतार दो नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टॉप दिस स्टॉप दिस का हिंदी में मतलब होता है इसे रोको स्टॉप दिस का हिंदी में मतलब होता है इसे रोको नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट स्टॉप डोंट स्टॉप का हिंदी में मतलब होता है रुकना मत डोंट स्टॉप का हिंदी में मतलब होता है रुकना मत नेक्स्ट सेंटेंस इज कम फास्ट कम फास्ट का हिंदी में मतलब होता है जल्दी आओ कम फास्ट का हिंदी में मतलब होता है जल्दी आओ नेक्स्ट सेंटेंस इज ओके देन ओके देन का हिंदी में मतलब होता है अच्छा तब ओके देन का हिंदी में मतलब होता है अच्छा तब नेक्स्ट सेंटेंस इज सो 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 का हिंदी में मतलब होता है ठीक ठाक सो सो का हिंदी में मतलब होता है ठीक ठाक नेक्स्ट सेंटेंस इज कैच इट कैच इट का हिंदी में मतलब होता है इसे पकड़ लो कैच इट का हिंदी में मतलब होता है इसे पकड़ लो नेक्स्ट सेंटेंस इज स्पीक स्लोली स्पीक स्लोली का हिंदी में मतलब होता है धीरे बोलो स्पीक स्लोली का हिंदी में मतलब होता है धीरे बोलो नेक्स्ट सेंटेंस इज जस्ट आ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट का हिंदी में मतलब होता है सिर्फ एक सेकेंड जस्ट अ मोमेंट का हिंदी में मतलब होता है सिर्फ एक सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस मंथ दिस मंथ का हिंदी में मतलब होता है इस महीने दिस मंथ का हिंदी में मतलब होता है इस महीने नेक्स्ट सेंटेंस इज ओके 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 का हिंदी में मतलब होता है ठीक ही है ओके ओके का हिंदी में मतलब होता है ठीक ही है नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन ऑफ ऑन ऑफ का हिंदी में मतलब होता है कभी कभार ऑन ऑफ का हिंदी में मतलब होता है कभी कभार नेक्स्ट सेंटेंस इज राइट हेयर राइट हेयर का हिंदी में मतलब होता है ठीक यहीं राइट हेयर का हिंदी में मतलब होता है ठीक यहीं नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वेल्डन वेल्डन का हिंदी में मतलब होता है बहुत बढ़िया वेल्डन का हिंदी में मतलब होता है बहुत बढ़िया नेक्स्ट सेंटेंस इज कम मी कम मी का हिंदी में मतलब होता है मेरे साथ चलो या फिर मेरे साथ आओ कम मी का हिंदी में मतलब होता है मेरे साथ चलो या फिर मेरे साथ आओ नेक्स्ट वर्ड इज जस्ट नाउ जस्ट नाउ का हिंदी में मतलब होता है अभी अभी या फिर बिल्कुल अभी जस्ट नाउ का हिंदी में मतलब होता है अभी अभी नेक्स्ट सेंटेंस इज पिक अ डेट पिक अ डेट का हिंदी में मतलब होता है एक तारीख चुनो पिक अ डेट का हिंदी में मतलब होता है एक तारीख चुनो नेक्स्ट सेंटेंस इज लेट मी गो लेट मी गो का हिंदी में मतलब होता है मुझे जाने दो लेट मी गो का हिंदी में मतलब होता है मुझे जाने दो नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ इज रोड हाउ इज रोड का हिंदी में मतलब होता है आगे रोड कैसी है हाउ इज रोड का हिंदी में मतलब होता है आगे रोड कैसी है नेक्स्ट सेंटेंस इज लेट मी स्लिप लेट मी स्लिप का हिंदी में मतलब होता है मुझे सोने दो लेट मी स्लिप का हिंदी में मतलब होता है मुझे सोने दो अच्छा हमारे वाक्य में जब ऐसे शब्द आते हैं जैसे खाने दो मुझे खाने दो या फिर मुझे सोने दो या फिर मुझे होमवर्क करने दो या फिर मुझे नहाने दो तब हम लेट का यूज़ करते हैं